वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप है गाइज आप सब बढ़िया हैं। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, क्लियर गाइज? तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे गाइज इनका मैकेनिज्म क्या है। क्लियर गाइज? गाइज सबसे पहले हम बेसिक लेते हैं कि सेल इंजरी आखिर होती क्या है। तो गाइज सेल इंजरी क्या होती है वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। मान लो आपने कोई सेल को स्ट्रेस दिया, सेल को क्या दिया? स्ट्रेस। स्ट्रेस गाइस फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और केमिकल फॉर्म में भी स्ट्रेस हो सकता है। फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में। जैसे फिजिकल फॉर्म में जैसे आपने सेल को कोई रेडिएशन दे दिया, केमिकल फॉर्म में जैसे आपने सेल को कोई पॉइजन दे दिया, उससे क्या होता है गाइस? सेल की जो स्ट्रक्चर है और जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेल के अंदर इंजरी डेवलप हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? सेल इंजरी कहते हैं। क्लियर गाइस? तो गाइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी स्टिमुलाई, जो हमने इंजरी स्टिमुलाई दिया उसके बेसिस पर सेल इंजरी के कुछ टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप होता है गाइज अडेप्टेशन, सेकंड टाइप पर गाइज रिवर्सिबल सेल इंजरी, थर्ड है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, फोर्थ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन एंड फिफ्थ इंट्रासेलुलर कैल्सिफिकेशन। क्लियर गाइज? ये सारे टाइप्स हो गए किसके बेसिस पर? नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी स्टिमुलाई। अडेप्टेशन में गाइज कुछ टाइप्स हैं, जैसे हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, मेटाप्लेजिया हो गया और एट्रोफी हो गया। ठीक है, तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कि क्या क्या टाइप है सेल इंजरी के, हमने क्या डिस्कस कर लिया। पिछले वीडियोस में हमने अडेप्टेशन पूरा डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्लियर गाइज यहाँ तक? तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। गाइज रिवर्सिबल जो सेल इंजरी होती है वो हाइपोक्सिया के कारण होती है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। और गाइज हम इसे रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइज जब ऑक्सीजन अगर वापस सही हो गई, मेंटेन हो गई, फिर से अगर मेंटेन हो गई तो ये जो इंजरी है ये वापस सही हो जाएगी। क्लियर? तो गाइज एक डिजीज है इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल है कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन। बहुत सारे डिजीज हैं जिसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी का फिनोमेन होता है। क्लियर गाइज? अब गाइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। गाइज आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, डिक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब हाइपोक्सिया नहीं है। तो गाइज ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उस पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि गाइज माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी बनाती है, एटीपी सिंथेसिस यहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होगी तो गाइज क्या होगा, डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस नहीं होगी तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, डिक्रीजेस एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एटीपी प्रोडक्शन कैसे इफेक्ट करेगी गाइज? सपोज करो गाइज एटीपी प्रोडक्शन कैसे इफेक्ट करेगी वो हम देखें। सपोज ये पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप। नॉर्मली क्या होता है गाइज, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, Na+ बाहर जाता है और K+ अंदर आ जाता है। नॉर्मली ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब गाइज जैसे एटीपी कम हो जाएगी तो एनर्जी नहीं बचेगी गाइज, तो ये पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये काम करना बंद कर देगा। तो एबनॉर्मल कंडीशन में गाइज इसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, ये एबनॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ अब। ठीक, एबनॉर्मल कंडीशन में गाइज क्या हो जाता है, Na+ का इन्फ्लक्स होने लग जाता है और K+ इफ्लक्स होने लग जाता है। ठीक है, तो गाइज इस कंडीशन को संभालने के लिए वाटर क्या करता है इसके अंदर इन्फ्लक्स कर जाता है। आइसो ऑस्मोलैरिटी करने के लिए वाटर का क्या हो जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है, वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो था ये नॉर्मल था। और जो ये जो सोडियम पंप का ये कंडीशन बताया ये एबनॉर्मल। यहाँ Na+ का क्या हो रहा था, इफ्लक्स, यहाँ K+ इन्फ्लक्स कर रहा था, यहाँ अपोजिट है। तो गाइज ये सारा कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या क्या हो रहा है। क्लियर गाइज यहाँ तक सारी चीज़ें?
तो गाइज आइसोओस्मोलैरिटी के कारण, आइसोओस्मोलैरिटी बनाने के कारण वाटर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है सेल के अंदर। वाटर एंटर इनटू सेल, वाटर किसके अंदर एंटर कर गया, सेल के अंदर। सेल के अंदर एंटर कर गया तो सेल स्वेलिंग हो जाएगी गाइज। सेल की क्या हो जाती है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब गाइस सेकेंड रीजन देखते हैं, क्योंकि एटीपी गाइस, एटीपी क्या हो रहा है, नहीं बन रही, एटीपी नहीं बन रही, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एटीपी नहीं बन रही। एटीपी गाइस प्रोडक्शन नहीं हो रहा एटीपी का, देन क्या होता है गाइस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी तो ज़रूरत होती है, तो एटीपी अब किससे बनने लग जाती है, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी प्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देता है, ये इंक्रीज होएगा। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से जब एटीपी बनेगी गाइस, तो यहाँ पर क्या होएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि पाइरूवेट क्या करने लग जाता है, पाइरूविक एसिड जो होता है वो एक्युमुलेट होने लग जाता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। उससे क्या होता है, डिक्रीजेस पीएच, पीएच के अंदर डिक्रीजमेंट होने लग जाता है। क्लियर गाइस। अब गाइस तीसरा एक और फिनोमेना होता है यहाँ पे, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे ये क्या हो जाती है, स्वेल करने लग जाती है। जैसे ये स्वेल करने लग जाएगी, तो उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो क्या करने लग जाएंगे, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स हैं वो डिटेच करने लग जाएंगे। अब जब राइबोसोम डिटेच करने लगे, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्टर्ब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं स्वेलिंग के कारण, ये क्या हो जाते हैं, डिटेच करने लग जाते हैं। क्लियर गाइस। ओके गाइस, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्वेलिंग थी, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनल अफेक्ट होएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, सेल स्वेलिंग हो जाती है गाइस, सेल स्वेलिंग हो जाती है। अब गाइस हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, जो अब रिवर्सिबल सेल इंजरी है, इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर तीन मॉर्फोलॉजी पाई जाएंगी, हाइड्रोपिक चेंज, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोपिक चेंज। सेकेंड है गाइस हाइलिन चेंज। थर्ड आता है म्यूकोइड चेंज। फोर्थ आएगा फेटी चेंज। हाइड्रोपिक चेंज में जाएगी, वाटर की एंट्री होगी तो सेल स्वेल कर जाएगी, सेल स्वेलिंग ही हमने बता दिया। हाइलिन चेंज मतलब हाइलिन से रिलेटेड। तो गाइस इसके अंदर दो टर्म आते हैं, इंट्रासेलुलर हाइलिन आएगा, एक आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन। इंट्रासेलुलर हाइलिन गाइस, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रासेलुलर हाइलिन के, ये गाइस एपिथेलियल सेल्स में होता है। इंट्रासेलुलर हाइलिन किसमें होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर होगा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन है वो कनेक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें गाइस, इंट्रासेलुलर हाइलिन का हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखें गाइस इसका, तो हाइलिन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गाइस क्या हो जाती हैं, पीसीटी के अंदर जो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल हैं उनके अंदर हाइलिन ड्रॉपलेट्स जमा होने लग जाती हैं, प्रोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जमा होने लग जाती हैं। तो एक एग्जांपल है, एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन की बात करें गाइस, इसके अंदर एक एग्जांपल आता है हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलाय इन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो गाइस ये मॉर्फोलॉजी एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हाइड्रोपिक चेंज, हाइलिन चेंज की, म्यूकोइड चेंज एंड फैटी चेंज, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करेंगे। तो गाइस जैसे ऑक्सीजन है वो डिप्राइव होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, मतलब हाइपोक्सिया कंटिन्यू करता जा रहा है। तो हाइपोक्सिया जैसे जैसे कंटिन्यू करेगा गाइस, कैल्शियम जो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम है वो इंक्रीज करता जाएगा। अब जैसे साइटोप्लाज्मिक जो कैल्शियम है वो इंक्रीज करेगा, तो गाइस माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना वो उससे क्या होती है, डैमेज होती जाती है। कैल्शियम से माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, डैमेज होता जाता है।
वैसे कैल्शियम जो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो रहा है वो वहाँ पर कुछ एंजाइम्स को रिलीज एक्टिवेट कर देता है, जैसे आपका फोस्फोलाइपेज एंजाइम आपका एक्टिवेट हो जाए। जैसे फोस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होएगा तो वह सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। अब फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो गया गाइज, तो गाइज सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा गाइज। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल हो जाती है टू एवरीवन। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी एवरीवन के लिए। ठीक है, क्लियर गाइज यहाँ तक? तो गाइज जो फोस्फोलाइपेज है वो क्या करेगा, वो जो फोस्फोलिपिड है उसको ब्रेक कर देगा गाइज। अब जो कैल्शियम जो है और जो फोस्फोलिपिड है वो गाइज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स बना कैल्शियम और फोस्फोलिपिड का, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अमोर्फस सब्सटेंस बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और उसके उसको डैमेज कर देते हैं। क्लियर गाइज? और गाइज और कौन कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कैल्शियम, प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करेगा, एंडोन्यूक्लियेजेस को एक्टिवेट करेगा, आरएनएज को ये कर देगा, आरएनए उसको एक्टिवेट करेगा। अब इस प्रोटीएज को एक्टिवेट करने से क्या होएगा, प्रोटीएज को जैसे एक्टिवेट करेगा तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है वो डैमेज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, डीएनए का क्या कर देता है, फ्रेगमेंटेशन कर देगा गाइज। और एक जब फिर हम उसको अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखेंगे उस डीएनए को, तो स्मियर पैटर्न नज़र आएगा। उसको फ्रेगमेंट करता है, बहुत बारीक बारीक कर देगा डीएनए को। ठीक है, आरएनएज को भी कर देगा। क्लियर गाइस, ये सारी चीज़ समझ में आ गई गाइस, कैसे क्या एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम्स को। अब गाइस हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स या फिर चेंजेस कि इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर गाइस, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइज पहला जो चेंज हमने देखा वो हमने डिस्कस भी किया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर चेंज आएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होएगा, डिस्टर्बेंस होएगा और वो परमिएबल टू एवरीवन। क्लियर गाइज? सेकंड हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर डैमेज हो जाएगा, क्लियर गाइज? थर्ड एक इम्पोर्टेंट है गाइज, थर्ड वाला ये मैं रेड से बनाते हैं इसको, न्यूक्लियर चेंज क्या होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? पहला वर्ड आता है गाइज पिकनोसिस क्या होता है, सपोज करो गाइज ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है गाइज वो एक क्लम्प बना लेता है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटीन, जो न्यूक्लियर का जो क्रोमेटीन है उसका क्या हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाता है और वो एक सेंटर के अंदर जो क्रोमेटीन है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोक्रोमेटिज्म। क्लियर गाइज? फिर एक और टर्म आता है कैरियोरेक्सिस। इसमें क्या होता है गाइज, जो न्यूक्लियस है उसका जो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होने लग गया। फिर क्या होता है गाइज, थर्ड सिचुएशन आती है कैरियोलाइसिस। में क्या होता है, ये आपका है ये न्यू, अब जो सेल है अब जो सॉरी जो न्यूक्लियस है वो दिखेगा ही नहीं, मतलब उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, डिजोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये न्यूक्लियर चेंजेस की पिकनोसिस होएगा, देन कैरियोरेक्सिस होएगा, देन कैरियोलाइसिस होएगा। फोर्थ सिचुएशन है, ये तीन सिचुएशन देख ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड व फोर्थ, रिलीज ऑफ लाइसोजोमल एंजाइम्स गाइज, जो क्या करेंगे, लाइसोजोम एंजाइम्स फेगोसाइटोसिस कर देंगे। तो इरिवर्सिबल सेल इंजन में ये था गाइज पूरा, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब गाइज इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर गाइज बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे नेक्रोसिस आपका, एपोप्टोसिस हो गया,
का नेक्रोप्टोसिस हो गया, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस हो गया, ये गाइस ये सारे हम पायरोप्टोसिस हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, किसमें करेंगे गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में। क्लियर गाइस सारे कंसेप्ट है आपको? तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्थी स्टे सेफ।